हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ रीना ये बेटा अथर्वा गोल्डी ममी चैनल पर आप सबको बहुत बहुत स्वागत करती हूँ पेरेंट्स आज बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी आज का वीडियो है फाइन मोटर एंड बेस्ट एडुकेशन एक्टिविटी ये एक्टिविटी करने से बच्चे को फाइन मोटर स्किल इंप्रूवमेंट होगा और एडुकेशन इंप्रूवमेंट होगा क्योंकि ये एडुकेशन के ऊपर फाइन मोटर स्किल की एक्टिविटी है तो वीडियो शुरू से लास्ट तक देखिए और जो एक्टिविटी मैं दे रही हूँ वो आप लोग फॉलो कीजिए और बच्चों के साथ कराइए और ये एक्टिविटी सीखने में अगर बच्चे को टाइम लगे तो आप लोग जरूर पेशेंस रख के कराइए और इसमें बच्चे को मतलब अल्फाबेट आइडेंटिफाई होगा बच्चे को कलर आइडेंटिफाई होगा बच्चे को नंबर का आइडेंटिफाई होगा और बच्चे को हाथ में ग्रिप भी आएगा जो एक्टिविटी मैं शेयर कर रही हूँ तो वो देखिए और बच्चे के साथ कराइए और कैसे मैंने अथरवा को जीरो से हीरो बनाया तो वही मैं एक्टिविटी आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ और अथरवा को मतलब किस में इम्प्रूवमेंट हुआ कोई चमत्कार नहीं हुआ था ऐसे एक्टिविटी करके मैं अथर्वा की इम्प्रूवमेंट कराया तो आप लोग अगर मेरे साथ पर्सनल कांटेक्ट करना चाहता है तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम ईमेल आईडी और फेसबुक का लिंक रहेगा वहाँ से मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं और मेरा दूसरा चैनल है रीना अथरबा ब्लॉग चैनल वह भी जाइए आप लोग वह सपोर्ट कीजिए अथरबा को आप सब की सपोर्ट की जरूरत है अथरबा की वो चैनल देखने की ज़रूरत है और वहाँ पर अथरबा रोज का काश काम करता रहता है तो अथरबा की वो वाला काम देखेंगे तो आप लोग को और भी अच्छा लगेगा क्योंकि वो अथरबा बातचीत करता है ना दिल खुल के जैसे मेरे साथ तो आ जाइए अथरबा एक्टिविटी करके देखा रहा है कैसे अथरवा चलो गिलास वाला एक्टिविटी पहले शुरू करो ये एक्टिविटी करने से क्या है बच्चों को आई हैंड कोऑर्डिनेशन इम्प्रूवमेंट होगा बच्चे को कलर इंप्रूवमेंट होगा जैसे स्टिक में ऑरेंज कलर डाला है डाला है स्टिक तो हमें बताते रहना है ऑरेंज कलर का स्टिक है अभी ब्लू कलर का डालेगा तो ब्लू कलर का स्टिक आप ऐसे बताना है ये आइसक्रीम स्टिक है ये ग्रीन कलर की है ऐसे कलर आइडेंटिफाई होगा तो ऐसे धीरे धीरे आप ज़्यादा भी डाल सकते हो और एक डाल के दिखाना और एक डाल के बैलेंस कर सकते हो आपका बच्चा अगर इतना बैलेंस नहीं कर पाएगा तो दो गिलास का बैलेंस कराए वही बहुत है क्योंकि बैलेंस कराना बहुत मुश्किल है हमारे बच्चों में आई हैंड कोऑर्डिनेशन और बैलेंस हमारे बच्चों में होता ही नहीं है तो अथरवा अभी फोर गिलास का बैलेंस करके देखा है वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बेटा बहुत अच्छा किया तो इसमें बैलेंस करके दोनों स्टिक को साथ में जॉइंट करके रख के थोड़ा सा गैप रख के जॉइंट करके करना बहुत ही टफ है तो आप जब शुरू में कराएंगे मैं अथरवा को शुरू में ऐसे कराया था जैसे दो स्टिक अथरवा से रखा अथर स्टिक ऐसे है तो अथरवा को ना स्टिक रखना भी नहीं आता था हाथ ऐसे हिलता था तो मैंने ऐसे करके स्टिक क्या करता था ऐसे टाइट पकड़ के रखता था छोड़ता ही नहीं था फिर मैंने ऐसे उसको हाथ से ऐसे छुरा लेती थी फिर ऐसे धीरे 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 करने से एक दो साल में बच्चे को छोड़ने का कॉन्सेप्ट आता है तो ऐसे करके छोड़ने का कॉन्सेप्ट आए उसके बाद बच्चे को अभी भी अथरबा जब मैं हाथ पकड़ के करती हूँ बहुत मुश्किल करता है तो ऐसे उसके बाद बच्चे को ऐसे करना है इसके ऊपर धीरे से बैलेंस करो तब तो बच्चा इतना जोर से हिला देगा ना उसको आई हैंड कोऑर्डिनेशन अटेंशन नहीं रहता है तो मुश्किल होता है आपका बच्चे को भी मुश्किल होगा लेकिन पेशेंस रख के करना है तो धीरे धीरे सीख जाएगा तो नेक्स्ट एक्टिविटी है ऐसे मोटा पेपर का एक रोल बनाना है और रोल के ऊपर ऐसे सर्किल बनाना है अलग अलग कलर की और ये जो एयरबार्ड है इसमें आपको कलर करना है स्केच पेन से मैंने ए स्केच पेन से चलो आप शुरू करो स्केच पेन से कलर किया और सेम कलर की डॉट बनाया और सेम कलर की एयर बर्ड यहाँ पर बहुत सारे है और बच्चे को कलर देख के जैसे पिंक कलर का डॉट पे पिंक कलर का एयरबार्ड लगाना है तो ऐसे करके बच्चे को सिखाना है तो देखिए कितना प्रेशर देना पड़ रहा है तो इसमें फाइन मोटर स्किल इंप्रूवमेंट होता है बच्चे को अटेंशन फोकस आई हैंड कॉर्डिनेशन इंप्रूवमेंट होता है बच्चे को देख के करना पड़ता है अगर मुश्किल हो रहा है तो आप घुमा सकते सकते तो घुमा के करो हाँ तो ऐसे करके बच्चे को सिखाना है जो कलर आए उस कलर पे आप लगा सकते ये नहीं है जो लाइन बाय लाइन आपको लगाना है तो कोई भी कलर आपको मिल जाए सेम कलर की उसमें लगाओ ठीक है तो इसमें बच्चे को फोकस देने की जरूरत है और बच्चे को ग्रीप इम्प्रूवमेंट होता है पेंसिल होल्डिंग का जो प्रॉब्लम रहता है ये इम्प्रूवमेंट होता है अथरवा को ग्रीप में बहुत प्रॉब्लम था अभी भी थोड़ा है प्रॉब्लम ऐसे बात नहीं है तो अभी थोड़ा मुश्किल होता है शुरू में आपका जो ये सेध करेंगे थोड़ा बड़ा साइज़ का करेंगे जब बच्चा सीख जाए ये थोड़ा सा छोटा करेंगे टिथ पिक से करेंगे तब तब बच्चे को क्या है जब सीख जाएगा थोड़ा टाइट छोटा सेध होगा तो घुमा घुमा के फिर डालेगा तो उसमें ज़्यादा प्रेशर देना पड़ेगा चलो नेक्स्ट एक्टिविटी है ऐसे थर्मोकॉल का प्लेट लेंगे और उसमें नंबर लिखेंगे जैसे फोर वन टेन फाइव थ्री कोई भी नंबर लिखेंगे इसमें काउंटिंग का कॉन्सेप्ट आएगा फोर है उसका मतलब फोर जो कलर की है पिंक कलर की फोर है तो पिंक कलर की हमें एयरबर्ड इसके अंदर डालना है सेम कलर की एयरबर्ड डालना है और फोर पे स्टॉप करना है हम ज़्यादा होल बना देंगे लेकिन बच्चे को फोर पे स्टॉप करना है बच्चा जब शुरू में अथरबा करता था फोर पे नहीं कंटिन्यू यहाँ तक करके आ जाता था मतलब रुकने का कॉन्सेप्ट नहीं था तो उसके बाद बच्चे को धीरे धीरे ये सिखाना है यह पर फोर है तो वन टू थ्री फोर তো এডুকেশন ইম্প্রেন্ট হা নাম্বার আইডেন্টিফাই ইম্প্রেন্ট হোক নাম্বারকে সব জো অবজেক্টা কটিং আমারে বচ্চোমে বহু দিক তো ও ইম্প্রমেন্ট হতো টেন লিখা হুয়া তো টেন यार बार्ड यहाँ पर लगाना है सेम कलर की तो ऑरेंज कलर की टेन है तो ऑरेंज कलर की लगाना है और इसमें कलर कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छा आता है तो ऐसे करके अगर टेन के जगह आपका बच्चा ट्वेल्व या थर्टीन लगा देगा तो आपको ये समझाना है देखो बच्चा ये टेन है और काउंटिंग के साथ करना है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन टेन पे हमें स्टॉप करना है ऐसे करके समझा के करना है अभी मैं उतना नहीं बोल रही क्योंकि अथरबा कर को लेगा तो आप भी अपना बच्चों के साथ समझा के कराइए जब कराएंगे तब तो ऐसे समझाना है वन है तो चलो चलो उठाओ हम ऑन स्टिक इस आप इसमें डालेंगे यहाँ पर फोर है चलो सेम कलर की पिंक कलर की कहाँ पर है ये देखो पिंक कलर की आप नेक्स्ट करते जाओ पिंक कलर की लगाना है ऐसे करके ये ऑरेंज कलर की है तो ऑरेंज कलर की कितना लगाना है टेन है और ये जो स्टिक है ये थोड़ा ज़्यादा एयरबार्ट थोड़ा ज़्यादा रखेंगे तो बच्चा थोड़ा कन्फ्यूज़ होगा बच्चे को कन्फ्यूज़ करना है जब आपका बच्चा शुरू में आपको कराना है तब तो जैसे एक ही नंबर या दो नंबर लिख देंगे और दो कलर का ही रखेंगे इतना कलर और इतना नंबर नहीं लिखेंगे जब बच्चा सीख जाए तो आप ज़्यादा कलर लिखेंगे ज़्यादा कलर लिख के ज़्यादा ईयरबड रखेंगे ज़्यादा कलरफुल आप इसके अंदर अलग अलग कलर भी रख सकते थे तो मेरे पास उतना टाइम नहीं है मैं बस जस्ट जितना कलर की बनाया उतना कलर की लगाया लेकिन ज़्यादा ईयरबड मैंने रखा है तो ऐसे करके आपको सिखाना है अभी लास्ट में क्या करना है इसमें तो मैंने सेत कर दिया जब बच्चा सीख जाए उसके बाद आपको एक्टिविटी और डिफिकल्ट करना है सेध नहीं करना बिना सेत की जगह पे बच्चा ऐसे सेत करके घुसाए और ऐसे बिना सेत की जगह पे सेत करके घुसा दिया तो ऐसे करके आपको करते रहना है ठीक है ये करने से बच्चे को ऑब्जेक्ट और नंबर की कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा से आएगा तो फ्रेंड्स मैं फाइन मोटर एडुकेशन स्किल का तीन एक्टिविटी आप लोग के साथ शेयर किया अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा नेक्स्ट वीडियो में न्यू एक्टिविटी के साथ फिर आप लोग के साथ मिलती हूँ टाटा बाय बाय थैंक यू सो मच टाटा बाय बाय थैंक यू सो मच